निर्देशक विक्रम भट्ट की बेटी कृष्णा की डेब्यू फिल्म 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट को लोगों ने थिएटर में देख तालियों से स्वागत किया। ऐसी तालियां ही फिल्मकारों को जिंदा रखती हैं। पर कृष्णा भट्ट ने इस फिल्म को बड़े स्तर पर रिलीज नहीं कर पाए, पर फिल्म अपने बजट को वसूलने की और तेज़ी से बढ़ रही है। फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया गया है। इस तरह फिल्म ने पहले ही वीकेंड में 8 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस बात की जानकारी फिल्म ट्रेंड एक्सपर्ट अतुल मोहन ने दी है। फिल्म की स्टोरी यह है, फिल्म में एक ऐसी लड़की दिखाई जाने वाली है जो बदला लेने के लिए वापस तो लौटती है लेकिन अंधेरी दुनिया का खुद शिकार हो जाती है। इस फिल्म में अविका गौर ने बॉलीवुड में कदम रखा है और डेब्यू करते के साथ ही उनकी मूवी फ्लॉप रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि आगे की उनकी जो कैरियर है वो बॉलीवुड में नहीं चल पाएगा।